नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, अयोध्या में साजिश नहीं हुई, सब कुछ खुला खुला था। राम, गंगा और तिरंगा के लिए कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा लाल बत्ती। सितम्बर 2018 के बाद सभी चुनावों में हर बूथ पर वीवीपैट लगी ईवीएम इस्तेमाल होंगी। चुनाव आयोग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। सोनू निगम के बयान पर सफाई, अजान पर सवाल नहीं उठाया, पर धर्म के नाम पर शोर गुंडागर्दी है। खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाला बीएसएफ जवान तेज बहादुर सिंह बर्खास्त। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी पर चलेगा मुकदमा। योगी ने दिए भूमाफिया टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश, भूमाफियाओं की उड़ी नींद। हिमाचल के शिमला जिले में टौंस नदी में गिरी बस, 44 लोगों के मरने की आशंका। मिस्र के नील शहर में खुदाई में मिला 3000 साल पुराना मकबरा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने भी अपने वीजा कार्यक्रम को कड़ा करने के संकेत दिए। एसोचैम ने कहा, H-1B वीजा के सख्त नियमों का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। जबलपुर में पत्नी की हत्या कर कांग्रेस नेता और पूर्व एल्डरमैन सईद मालगुजार ने खुद को गोली मारी। ये थी आज की प्रमुख खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।